कांग्रेस वालों लगातार की जा रही गुंडागर्दी। डिप्टी मेयर सरबजीत कौर शिमलापुरी, पत्नी जरनैल सिंह शिमलापुरी, उन्होंने बेटे गुरप्रीत सिंह अते उन्होंने साथियों वालों किप्स मार्केट में अमनजोत सिंह नाल की कुटमार अते जानू मारन की की गई कोशिश। जब असी दूजी धिर नाल गल करन दी कोशिश की तो उन्होंने साफ मनाही कर दिती। अपना एक मोबाइल का डाटा ट्रांसफर कर गया से, मोबाइल का डाटा ट्रांसफर करने तो बाद ताकि अपनी गड्डी जो बैक कर रहा था, बैक करते चाहो मेरे पिछे गड्डी आ गई, उस समय मेरी गड्डी टच हो गई। टच होने तो बाद गड्डी के तीन मुंडे उतरे, उतरन तो बाद मेरी गड्डी लॉक सी, एक मुंडे ने आके खड़काया। इन बिटवीन में जो अपना अनलॉक कर रहा गड्डी, लैफ्ट साइड वाले मुंडे ने गड्डी का शीशा तोड़ता, राइट साइड वाले मुंडे ने उस तो बाद जो डोर ओपन किया मैनू मारना शुरू करता, मैं बहुत मारिया उन्होंने, दोबारा मेरे सिर के वाल पुटे, मेरी पग लाई, मेरे कपड़े तक पाड़न की कोशिश की, मेरे जुत्ते तार के सिटते, तो कहते भी ये कपड़े पाड़ देने हैं, तो गोली लियाओ, वैपन कट के लियाओ गड्डी के विचों, वैपन लिया के गोली मार दें, गोली मार के काम ही खत्म कर दें, इन्नी मेरे नाल मार कटाई की। अमनजोत जो कि पेशे च वकील है, आम इंसान है जिन्हों का पोलीटिकल अपना कोई मतलब उद्दा नहीं है, आम इंसान वांगू अज किप्स मार्केट के गए कुछ बैक करते हुए माड़ी गड्डी टर्च की है, तो वह बंद ने गड्डी चो निकल के किदा पग लाती, वो पग की बेदबी की है, किदा वो दाढ़ी खिचे आ, वाल खिचे आ, उन्हें कुटिया मारिया, जानों मारन की कोशिश की गई है। वो जो पता लगा कि जी जिन्हें सियासत बड़ी भारी है, जेडे डिप्टी मेयर सरबजीत कौर वाइफ ऑफ जरनैल सिंह, उन्हों का बेटा से गुरप्रीत सिंह, उसके दो साथी सके, तो बहुत ज़्यादा कुटमार की गई, जानों मारन की कोशिश की गई। मैं निंदनयोग कहना कि मैं समझा लॉ एंड ऑर्डर पंजाब के अंदर खत्म हो चुका, आम बंदे की जिंदगी सेफ नहीं है। जिहड़ा बंदा अमनजोत जिहड़ा एक बहुत ही शरीफ इंसान है, जिहड़ा घर तो अपने पेशे वाल तो पेशे तो घर जाता, जिहदी किसी नाल लाग डाट नहीं है, इदा का करना मैं समझता कि ठीक नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार अज पूरी फेल हो चुकी है। मैं सीपी साहब को बेनती करांगा कि क्योंकि कमिश्नर साहब की बड़ी वड्डी ड्यूटी है, तो जो मर्जी कार्रवाई की जाए ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਲਾਮ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਅ ਆਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।